अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ रिटेल लॉजिक एंड डिज़ाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉजिक गेट्स, कि इनको फर्दर हम आगे से किस तरह से ऑन बोर्ड इनको हम फिज़िकली किस तरह से मैनेज करते हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यूज़ होती हैं इनको डिज़ाइन करने में। तो रिसेंट जो लेक्चर था हमने उसमें देखा था इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हमने देखी थी, जिनको हम फर्दर आज एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हमने देखा था स्विचिंग स्पीड क्या होती है और पावर डिसिपेशन और सर्किट डेंसिटी। जो टेक्नोलॉजीज हमने देखी थी इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज, उसमें हमने देखा था कि सी मॉस क्या होता है, TTL क्या होता है, ECL, पी मॉस, एन मॉस, ई स्क्वेयर, सी मॉस। सो ये टेक्नोलॉजीज हैं जो सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती हैं। सो सी मॉस जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है जो प्रोसेसर्स बनाने में यूज़ होती है। सो जब हम कोई भी इस तरह की चीज़, कोई भी सर्किट अपना डिज़ाइन कर रहे होते हैं, या सॉरी आप कह सकते हैं कि जब आप कोई भी अपना IC इंटीग्रेट सर्किट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पास DC सप्लाई वोल्टेज है जो उस ट्रांजिस्टर के ऊपर आ रही है, उसके बाद नॉइज़ मार्जिन कितना, कि मार्जिन वो हम आगे देखेंगे कि नॉइज़ मार्जिन क्या चीज़ है, पावर डिसिपेशन उस ट्रांजिस्टर की कितनी है, जो क्लॉक स्पीड उसे आ रही है उसका उस की फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स या उसका इफेक्ट उसके आउटपुट पर क्या पड़ रहा है, या इनपुट और आउटपुट पे क्या पड़ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि फैन आउट उसके ऊपर, फैन सी मॉस पे, TTL पे और उसके लोड पे फैन आउट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हमने TTL सीरीज़ की कुछ देखे थे कि उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ICs को। सो 674 उसका इंडेक्स नंबर था और वो डिफाइन करता है कि ये TTL सीरीज़ की IC है, और फिर फर्दर उसके आगे जो है जो कोड है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि वो किस लेवल, किस सीरीज़ की और किस मॉड की ID है, सॉरी IC। तो CMOS सीरीज़ में हमने देखा था 5, देखते हैं तो दो तरह की ICs हैं, एक 5 वोल्ट पे ऑपरेट करती हैं और दूसरी जो है वो 3 वोल्ट DC पे ऑपरेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो 74HC वाली ICs हैं वो हाई स्पीड पे ऑपरेट करती हैं, और जो 74AC वाली हैं वो एडवांस CMOS टेक्नोलॉजी के बेस पे बनी होती हैं, और 74AHC इन दोनों का हाइब्रिड है। इसी तरह 74LV लो वोल्टेज CMOS, इसी तरह 74LVC लो वोल्टेज CMOS और एडवांस लो वोल्टेज CMOS ALVC अगर किसी IC के नंबर में आता है तो वो उस टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है। सो नॉइज़ मार्जिन बेसिकली क्या है, कि इनपुट आउटपुट सिग्नल हैव ए रेंज ऑफ वोल्टेजेस, ठीक है, उनकी एक रेंज आप डिफाइन कर देते हैं। अगर उस रेंज के उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर नॉइज़ मार्जिन आपको पता चल जाता है कि जी ये नॉइज़ मार्जिन है, इस तक जो है वो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच ऑन है और ये इस रेंज के अंदर स्विच ऑफ है, तो वो आपकी रेंज को आइडेंटिफाई करेगा। सो ये जो वोल्टेज रेंजेस होती हैं ये एक्सीड क्यों करती हैं, ये एक्सटर्नल नॉइज़ की वजह से करती हैं। वो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, लेट से हीट की वजह से आपका जो सिस्टम है या इंटीग्रेटेड सर्किट है वो डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू कर देगा या वो काम करना ही छोड़ देगा। लेट से कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब उसका प्रोसेसर हीट अप हो जाता है, जब वो गर्म हो जाता है, तो अक्सर स्मार्टफोन एक टिपिकल रेंज पे जाके वो जब टम्परेचर उनका बढ़ता है IC का एक्सटर्नल, उसकी वजह से उसमें नॉइज़ क्रिएट होता है और उस नॉइज़ की वजह से आपका जो जो सिस्टम है वो पावर ऑफ हो जाता है। और आपने देखा होगा जब वो दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर पे जाता है तो वो फिर दोबारा से वो सिस्टम ऑन हो जाता है। सो वो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है आपने जब आप IC डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं।
TTL लॉजिक लेवल्स की बात करते हैं तो TTL लॉजिक लेवल्स पे आप देख सकते हैं कि जी ये आपके पास सर्किट्स हैं। आप इनके इनपुट पे एट द इनपुट ऑफ एनी TTL लॉजिक गेट लॉजिक हाई सिग्नल जो होता है वो आपके पास वन होता है, वो वन अप्लाई करते हैं आप या लॉजिक ज़ीरो जिसको हम ज़ीरो कहते हैं वो ज़ीरो वोल्टेज अप्लाई होता है। वी आई एच क्या चीज़ है? वी आई एच इज़ इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ लॉजिक हाई सिग्नल विद ए रेंज ऑफ 2 to 5 वोल्ट। आप देख सकते हैं कि इस साइड पे जो सर्किट है लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रांजिस्टर है उसका के ऊपर जो वोल्टेज इनपुट आई एच जो है बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये आपके पास रेंज है, वोल्टेज रेंज है लॉजिक हाई सिग्नल की। ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइन की गई है? स्टैंडर्ड के अंदर 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक, और लॉजिक लो वी आई एल जो है इसके अंदर जो लॉजिक ज़ीरो की जो रेंज है वो 0 से लेके 0.8 वोल्ट तक आइडेंटिफाई की हुई है, और उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम नॉट अलाउड कह देते हैं, ठीक है। वी आई एच इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल इनपुट रेंज फॉर ए लॉजिक हाई सिग्नल, और वी आई एल जो है वो इनपुट रेंज है लॉजिक लो सिग्नल के लिए, लॉजिक ज़ीरो सिग्नल के लिए जिसकी रेंज है 0 से 0.8। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रेंज है वी आई एल लॉजिक ज़ीरो के लिए। अब दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास आउटपुट आ जाता है, ट्रांजिस्टर का आउटपुट आ जाता है। आउटपुट रेंज पे आपने उसी तरह से जो वी ओ एच है वो आपके पास लॉजिक हाई सिग्नल की रेंज है जो 2.4 से लेके 5 वोल्ट तक वेरी करती है, और इसी तरह जो लॉजिक ज़ीरो लो लॉजिक ज़ीरो की वोल्टेज रेंज है वी ओ एल जिसको हम कहते हैं वो 0 वोल्ट से लेके 0.4 वोल्ट तक स्पेसिफाइड है। ये इसलिए करने ये हम इसलिए करते हैं कि जब हम सर्किट पे काम कर रहे हों तो अगर हम उसको एक्यूरेट हम कह देंगे या रेंज हम कम रखेंगे, हम कहते हैं जी कि 5 वोल्ट हो तो वो 1 आए आगे आउटपुट पे 1 आए वो स्विच ऑन हो, और अगर 0 है तो स्विच ऑन हो एल्स वो ना हो। तो इससे ये होगा कि जो एटमॉस्फेरिक जो एक्सटर्नल जो आपके पास नॉइस एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से वोल्टेज पे फ़र्क पड़ेगा और वो सर्किट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए आप क्या करते हैं कि उस ट्रांजिस्टर को उसकी आप रेंज डिफाइन कर देते हैं कि लेट्स से अगर 5 से नीचे भी होती है तो आप उसका आउटपुट आगे लॉजिक 1 की जो रेंज में आता है तो वो आउटपुट आगे जाए, और आगे जब आउटपुट पे जाएगा तो वहाँ पे भी आपने वी ओ एच से स्पेसिफाई किया हुआ है कि 2.4 से लेके 5 वोल्ट के दरमियान जितनी भी वोल्टेजेस आती हैं पीछे से इनपुट से प्रोसेस होके वो हमारी क्या है आउटपुट वोल्टेज। सिंपल एज दैट, ये वही चीज़ की गई है जिस तरह कि आपकी आम रोज़मर्रा की इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखते हैं कि आपके पास जो आपके आजकल के टीवी और फ्रिज हैं या माइक्रोवेव ओवन हैं उनके अंदर रेंज स्पेसिफाई की होती है कि 150 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक ये डिवाइस जो है वो सही ऑपरेट करेगी, और वो बेसिकली आपका वोल्टेज लेवल है। अब 150 से जब नीचे जाएगी वोल्टेज तो वो लॉजिक ज़ीरो होगा, और 150 से लेके 230 के बीच में जो रेंज है वो बेसिकली आपकी क्या होगी लॉजिक वन की रेंज होगी। तो जब वो लॉजिक वन की रेंज में होगा तो उसका आउटपुट वन होना चाहिए, सर्किट ऑन होगा तो आपका डिवाइस जो है वो काम करती रहेगी, जो ही उससे वोल्टेज कम आएगी आइतर वो जल जाएगी या वो ऑन नहीं होगी। अब आते हैं जी हमारे पास जो लॉजिक लेवल CMOS के लॉजिक लेवल देखते हैं। हमारे पास दो तरह के CMOS वर्जन्स हैं, एक प्लस 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है और प्लस 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। प्लस 5 वोल्ट में जो इनपुट पे वोल्टेज रेंज है वो मैक्सिमम VIH जो है वो 3.5 से लेके 5 वोल्ट तक स्पेसिफाई है, और जो लो है वो 0 से 1.5 वोल्ट तक इनपुट पे। आउटपुट पे उसी तरह से 4.4 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक और 0 वोल्ट से लेके 0.33 वोल्ट तक जो हमारे पास है वो आउटपुट की रेंज है।
इसी तरह से आप 3.3 के सर्किट पे आएंगे तो 0 से लेके 0.8 तक वोल्ट तक आपके पास इनपुट लो की रेंज है, और इनपुट हाई की आपके पास रेंज है 2 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक। इसी तरह इसी सर्किट के आउटपुट पे राइट साइड पे आपके पास आउटपुट की रेंज है 0 वोल्ट से 0.4 वोल्ट तक और 2.4 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक। ठीक है, ये दोनों जो आपके पास सीमॉस के जो दो वर्जन हैं ये वो यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं कि उनकी इनपुट की रेंज और आउटपुट की रेंज क्या है, और इसी तरह से 3.3 का भी आपको अवेलेबल। सो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ड्यू टू नॉइज। अब नॉइज से फर्क क्या पड़ता है, ये आपके पास एक सर्किट है। अब ये सर्किट जो है ये सीमोस 5 वोल्टेज सीरीज का सर्किट है, ठीक है जी। इनपुट ए इज ऑफ द एंड गेट इज परमानेंटली कनेक्टेड टू लॉजिक हाई ऑफ प्लस 5 वोल्ट्स, एंड इनपुट बी जो है वो आपका वी इन के साथ, वी इनपुट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। सो आउटपुट आपका जो है वो जा रहा है। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर के वी आई एच आपके पास क्या है, थ्री पॉइंट फाइव से लेके 5 वोल्ट तक आपकी जो है वो रेंज है, किसकी, वी आई एच की। सो वी आई एच आपको पता है कि वो मिनिमम एक्सेप्टेबल इनपुट रेंज है आउटपुट हाई लॉजिक हाई सिग्नल के लिए, और वी आई एल जो है वो उसकी रेंज क्या है, 0 से लेके 1.5 तक, और वो आपका इनपुट रेंज है फॉर लॉजिक लो सिग्नल। सो सिमिलरली द आउटपुट ऑफ एनी सी मॉस 5 वोल्ट सीरीज लॉजिक गेट कैन बी एट लॉजिक हाई 1 और 0। इसका आउटपुट या तो 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। सो वी ओ एच इस केस में क्या होगा, आपके पास उसकी रेंज जो है वो 4.4 वोल्ट से 5 तक है, और जो आपके पास लो इनपुट की रेंज है, सॉरी लो आउटपुट की रेंज है, वो 0 से लेकर 0.33 वोल्ट तक। सो इस केस में होगा ये कि आप कंसीडर करेंगे जो इनपुट बी है इज ए लॉजिक हाई स्टेट विद इनपुट वी आई एच इज इक्वल टू 4.2 वोल्ट्स, विच इज विद इन द रेंज ऑफ वोल्टेज रेंज ऑफ वी आई एच बिटवीन 5, जो मैंने आपको अभी बताई है, 5 से लेके 3.5 तक। तो कंसीडर ए वोल्टेज जनरेटेड ड्यू टू सम एक्सटर्नल नॉइज एडेड टू द 4.2 वोल्ट्स सिग्नल, ठीक है जी। सो अब होगा क्या, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ये आपके पास 4.2 वोल्ट है, और जो अभी एक्सटर्नल नॉइज की वजह से जो ये जो शार्प एजेस आप देख रहे हैं इसके अंदर ये क्रिएट हुए हैं, ये बेसिकली नॉइज जो है वो ऐड हुई है आपके इस सर्किट के अंदर, जो जिगजैग फॉर्म में आपके पास जो लाइन है, ठीक है। सो ये शार्प डिप है जिस जो नॉइज ने इस सर्किट के अंदर लाई है। सो अब ये करेगा, इसने किया क्या है कि ये जब नॉइज है, जब इसको आप देखेंगे, अब इसकी आगे जब इसको ऑसिलोस्कोप पे जब मेजर करेंगे तो वी आई एच अब आपकी होगी है 3 वोल्ट। वो 3 वोल्ट क्या हुई है कि जो 4.2 वोल्ट आपकी वोल्टेज थी एक्चुअल, वो नॉइज की वजह से डाउन डिग्रेड होके वो उसमें नॉइज आया, उसकी वजह से वो वोल्टेज जो है वो कम होगी और वो चली गई 3 वोल्ट के ऊपर, ठीक है, फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। सो द 3 वोल्ट इनपुट इज बिलो द मिनिमम रेंज। अब जो 3 वोल्ट है वो बेसिकली मिनिमम रेंज जो हमारे पास आई एच की है, वो इनपुट रेंज है उस वो है 3.5 वोल्ट, वो अब उससे नीचे चली गई है, ठीक है। सो द ये जो डिप है वोल्टेज के, बेशक छोटे पीरियड के लिए, ये रिजल्ट करेगी आउटपुट लॉजिक लो फॉर ए शॉर्ट इंटरवल आफ्टर। अब ये जो शॉर्ट इंटरवल है, जिस शॉर्ट इंटरवल में ये वोल्टेज 3 वोल्ट में चली गई है,
उसके लिए जो आगे जो आउटपुट पे वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, वो लॉजिक लो के लिए आएगी, क्योंकि ये इनपुट जो आपकी इनपुट रेंज है 3.5 वोल्ट, उससे नीचे चली गई है। सो इस तरह के इश्यूज को हमने मैनेज करना होता है। और ये जो ये इस तरह के जो नॉइज़ के इफेक्ट हैं, ये बेसिकली आपकी जो डिवाइस है, ये जो लॉजिक सर्किट है, उसमें मालफंक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। देखें कि ये आपके पास वही चीज़ हम देख रहे हैं, अब नॉइज़ मार्जिन हमने निकालना है। तो आपके पास दो सर्किट, एक दो एंड गेट लगे हुए, और वो भी आप कंसीडर करें कि ये 5 वोल्टेज सीरीज के हैं। सो द फर्स्ट एंड गेट हैज़ बोथ इनपुट्स, और उस उन पे क्या है, वो हाई वोल्टेज विच दैट इज 5 वोल्ट उसके साथ कनेक्टेड है, और उसका जो आउटपुट है वो दूसरे सर्किट के सॉरी दूसरे एंड गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट है, और उसका दूसरा जो इनपुट है वो हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट है। तो सो हमारे पास नॉइज़ मार्जिन किस तरह से निकलता है, दो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं कि हाई का मार्जिन वोल्टेज नॉइज़ हाई विच इज़ इक्वल टू वोल्टेज आउटपुट हाई मिनिमम माइनस वोल्टेज इनपुट हाई हाई मिनिमम, एंड वोल्टेज नॉइज़ लो किस तरह से निकालेंगे हम, वोल्टेज इनपुट लो मैक्सिमम माइनस वोल्टेज आउटपुट लो मैक्सिमम। सो इन इस इक्वेशन की मदद से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी नॉइज़ मार्जिन निकाल सकते हैं। सो लॉजिक हाई वैल्यू आउटपुट ऑफ द फर्स्ट एंड गेट इज अज्यूम टू बी एट 4.6 वोल्ट, वेल विद इन द वैलिड VOH रेंज विच इज इक्वल टू 4.4 to 5 वोल्ट। ठीक है जी, 4.6 वोल्ट है जो रेंज, क्या है हमारे पास 4.4 से लेके 5 था। एज्यूम द सेम नॉइज सिग्नल एज डिस्क्राइब अर्लियर, जिसका पिछले में था। अब इसके अंदर वो जब नॉइज सिग्नल आया तो वो ऐड हो जाएगा किसके अंदर, नेक्स्ट जो आपके पास गेट लगा हुआ है उसके इनपुट के अंदर। ठीक है जी, द शार्प डिप ड्यू टू नॉइज ब्रिंग्स द VOH वोल्टेज डाउन टू 3.4 वोल्ट। अब जो अगले की इनपुट है वो बेसिकली कम हो जाएगी विच इज इक्वल टू 3.4 वोल्ट, और जो रेंज है हमारे पास इनपुट हाई की वो क्या है, 3.5 वोल्ट। अब ये उससे नीचे चला गया, अब उस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसने क्या करना है, वही आगे जीरो भेज देना। ठीक है, सो अब ये वोल्टेज, अब होगा क्या, अब इस कंडीशन में ये सर्किट काम नहीं करेगा, ये सर्किट क्या हो जाएगा, माल फंक्शन हो जाएगा। सिंस VOH जो है हमारे पास मिनिमम इज वो होनी चाहिए 4.4 वोल्ट। सो उसके अंदर 4.4 के अंदर जो नॉइज सिग्नल ऐड होगा वो जो आपकी VOH वोल्टेज है उसको ले आएगा 3.5 वोल्ट पे। सो विच इज जो एक्सेप्टेबल। सो वो क्या करेगा, उसकी वजह से आपका सर्किट जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज आपके जो सर्किट है वो काम करना छोड़ देगा। तो इसके अंदर अब हुआ क्या है कि 0.9 वोल्ट आपके पास क्या आ गया, नॉइज मार्जिन आ गया। आपने क्या किया, नॉइज हाई का मार्जिन निकाला, आउटपुट हाई आपके पास 4.4 वोल्ट है, इनपुट हाई आपके पास 3.5 वोल्ट है, इन दोनों का आपने माइनस कर दिया तो आपके पास 0.9 वोल्टेज आ गया। सो आपने करना कि ये है कि जो आपकी रेंज है, हाई की रेंज है, उससे अगर नीचे चला जाएगा तो आपका सर्किट जो है वो माल फंक्शन आ जाएगा, और अगर लो की रेंज से ऊपर चला जाएगा तो आपका सर्किट माल फंक्शन कर जाएगा। अब मसला ये है कि जो लॉजिक लो वाला केस है, कि शादर और नादर चांसेस होते हैं कि जी लेवल लॉजिक जीरो के केस में वोल्टेज बढ़ जाए। ठीक है, वो उसी केस में बढ़ सकती है जब कोई शॉर्ट सर्किट हो। सो वो बहुत शादर नादर केस होते हैं, तो अक्सर इश्यूज हमें नॉइज़ की वजह से जो आते हैं वो हाई जो इनपुट पे हाई की जो वोल्टेज होती है, लेवल हाई की जो वोल्टेज होती है, उन पे इश्यूज आते हैं। सो अगर आपकी वोल्टेज 3.5 से नीचे 1 पॉइंट भी कम होगी, जैसा कि ये केस है आपके पास, इसके अंदर वोल्टेज होगी 3.4 वोल्ट,
अब ये जो 3.4 वोल्ट है, इसकी वजह से सर्किट जो है वो आगे वैल्यू क्या भेजेगा, जीरो भेजेगा। तो जब वो अगले जो आपका जो गेट लगा हुआ है उसके इनपुट पे वैल्यू जीरो आएगी तो वो भी आगे जीरो भेज देगा। सो इस आप देख सकते हैं कि या एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा सर्किट जो है वो किसी फंक्शन कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा सिर्फ इस छोटे से नॉइज़ की वजह से। तो इन नॉइज़ को हमने जो है वो मैनेज करना होता है डिफरेंट टेक्निक्स से, वो हम देखेंगे वहाँ। सो ये नॉइज़ मार्जिन हैं, ये जो पीछे हमने किया है उसी तरह TTLs के भी नॉइज़ मार्जिन हैं, फार्मूला लिखा हुआ है और रेंज दी हुई है, तो इस तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन कांस्टेंट फॉर TTL और CMOS के लिए, CMOS के लिए ये होगा कि वो जो आपका पावर डिसिपेशन जो वैल्यू है वो बेसिकली वेरी करेगी किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, और TTL के लिए वो कांस्टेंट है। सो उसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए उस पावर डिसिपेशन को कंप्यूट करने के लिए, गेट आउटपुट हाई, गेट आउटपुट लो, ये दो करंट बेसिकली हमें चाहिए, ICCH और ICCL। सो एवरेज पावर डिसिपेटेड क्या होगी, पावर इज इक्वल टू पावर CC इज इक्वल टू VCC इंटू ICC। अब VCC आपके पास वोल्टेज है जो आप ट्रांजिस्टर को दे रहे हैं, और ICC वो करंट है जो आपके पास हाई या लो पे आ रहा है। तो ये जेनेरिक टर्म है, जो पहला है फार्मूला है वो बेसिकली जेनेरिक है, वो पूरे जो आपके ट्रांजिस्टर है उसकी आपको पावर डिसिपेशन निकाल के देगा। अब दूसरा आ जाता है करंट, अब करंट को आप डिवाइड कर देते हैं हाई और लो में। सो पी सी सी इज इक्वल टू वी, अब आई को आपने एवरेज उसकी ले ली कि ICCH हाई करंट को अलग कर दिया और लो करंट को अलग कर दिया डिवाइडेड बाई 2। तो ये सेम ही फार्मूला है, लेकिन इससे इस फॉर्मूले के तहत आप जो है वो पावर डिसिपेशन कंप्यूट कर सकते। सो ये आपके पास एक सर्किट है, उसके अंदर सिंपल ही बताया हुआ है कि इसके ऊपर जो VCC है आपके पास वो क्या है, 5 वोल्ट है, और ICCH करंट जा रहा है हाई। और इसकी जो पिन है वो ग्राउंड हुई भी है। सो इसके अंदर से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, PCC इज इक्वल टू VCC इंटू ICCH, ये फार्मूला लगा के आप इसकी पावर डिसिपेशन कर। अब आते हैं CMOS पे। CMOS की जो पावर डिसिपेशन है उसके अंदर एक और टर्म आ जाती है जो कि है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब वो फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, वो फ्रिक्वेंसी जो है वो अगर चेंज होती है वो डिफरेंट है तो उससे आपके सर्किट के ऊपर फर्क पड़ेगा। उसका फार्मूला क्या है, PD इज इक्वल टू CPD प्लस CL इंटू VDD स्क्वेयर इंटू F। अब C आपके पास बेसिकली क्या है, वो कैपेसिटेंस है। CPD जो है वो इंटरनल पावर डिसिपेशन कैपेसिटेंस है, जो उसके अंदर IC के अंदर जो आपके पास पावर डिसिपेट हो रही है उसकी कैपेसिटेंस है, और CL जो है वो लोड की कैपेसिटेंस है कि जो उसके आउटपुट पे क्या चीज़ लगी हुई है वो उसकी कैपेसिटेंस है, और VDD आपकी जो है वो पावर सप्लाई है, और F जो है वो आपका फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, तो आपने सिंपल उसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास पूरे CMOS सिस्टम की पावर डिसिपेशन आ जाएगी। प्रोपगेशन डिले एंड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। सो प्रोपगेशन डिले बेसिकली करता क्या है, ये लिमिट करता है फ्रिक्वेंसी एट विच गेट कैन ऑपरेट, ठीक है। अगर आपका जो है पावर डिले जो है वो लार्जर है तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लोअर होगी जिसपे जो है वो गेट जो है वो ऑपरेट करेगा। स्मॉलर है अगर आपका प्रोपेगेशन डिले तो हाइयर फ्रिक्वेंसी पे आपका गेट जो है वो ऑपरेट करेगा, अपोजिट है, वाइस वर्सा। एक लेट से कि आपके पास कोई गेट है जिसका डिले है 3 नैनोसेकंड, इस वो फास्टर होगा जिसका डिले जो है वो 10 नैनोसेकंड, ठीक है जी।
तो ये पावर डिले बेसिकली, सॉरी प्रोपोगेशन डिले ये है। प्रोपोगेशन मीन्स के इनपुट से आउटपुट तक आपने जो जो वैल्यू लेके जानी है उसमें कितना डिले आ रहा है। जो प्रोपोगेशन डिले है वो लॉजिक गेट्स के लिए स्पेसिफाई काम करते हैं TPHL और TPLH पैरामीटर्स, ये दो पैरामीटर्स हैं। अभी आप देख सकते हैं नॉट गेट है इनपुट पे आपके पास, इसने क्या करना है, सिर्फ इन्वर्ट करना है। और अभी आप देख सकते हैं इनपुट पे आपके पास जो है वो क्या है, एक इनपुट है उसकी वैल्यू है कोई, और आउटपुट है उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो टाइम स्पेन, TPL टाइम स्पेन के बाद अकर हो रहा है, और ये जो TPL है, या सॉरी TPHL है, ये आपके पास क्या है, प्रोपोगेशन डिले आ रहा है, ठीक है, और ये लो पे आ रहा है, और जो हाई पे आ रहा है उसको हम कह रहे हैं जो आगे डिले आ रहा है दोनों के सेंटर में, जिस तरह से ये कंप्यूट किया हुआ है, तो वो आपके पास पावर डिले है हाई पे। सो ये नॉट द आउटपुट ऑफ द नॉट गेट चेंजेस फ्रॉम हाई टू लोअर आफ्टर ए डिले ऑफ टाइम स्पेसिफाइड बाय TPHL, इस टाइम के बाद जो है वो आपका आउटपुट अकर करेगा आफ्टर द इनपुट चेंजेस फ्रॉम लो टू हाई। द आउटपुट ऑफ द नॉट गेट चेंजेस फ्रॉम लो टू हाई आफ्टर ए डिले ऑफ टाइम स्पेसिफाइड बाय TPLH। ये दो पैरामीटर्स हैं, एक लो पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम के बाद आउटपुट अगर हो रहा है TPHL के बाद, और TPLH के बाद वो वैल्यू वापस हाई हो रही है। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जो आपके सिस्टम के जो है वो प्रोपोगेशन डिले को आप कंप्यूट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जो डिले अगर हो रहा है वो 50% ट्रांजिशन मार्क पे हो रहा है, दोनों केस में 50% ट्रांजिशन मार्क पे वो चल रहा है, और दूसरी तरफ जो जहाँ से वैल्यू डाउन हो रही है, ज़ीरो हो रही है, वहाँ पे भी वो 50% पे जाके वैल्यू ज़ीरो हो रही है। सो इसी तरह हाई पे भी इसी तरह से हो रहा है, 50% पे जाके वो वहाँ से वैल्यू जो है वो चेंज होना शुरू होती है, ठीक है जी। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जिससे आप प्रोपगेशन डिले जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। आपकी जो सिस्टम की स्पीड है, ये जो हाँ आप बात करते हैं कि जी हम जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है इतने गीगा हर्ट्स है, आप बात करते हैं ना कि आपके प्रोसेसर की स्पीड इतनी है, वो बेसिकली ये चीज़ डिफाइन कर रही होती है। इसीलिए हमने कहा कि प्रोपगेशन डिले जो है वो फ्रिक्वेंसी के वाइस वर्सा है, अपोजिट है। अगर ये जितना कम होगा तो क्लॉक स्पीड उतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आउटपुट जल्दी हमारे पास आ सके। सो स्पीड पावर प्रोडक्ट, SPP हम इसको कहते हैं। सो ST इंटू PD एक्सप्रेस्ड इन जोल्स, जोल्स बेसिकली एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है स्पीड और पावर के रिलेटेड। लोअर द स्पीड पावर प्रोडक्ट, बेटर इज द परफॉर्मेंस। ये एक पैरामीटर है जिससे आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। आपके पास क्या है, सॉरी प्रोपगेशन डिले इनटू पावर डेसिपेशन, ये दो चीज़ें हैं, तो आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या। अब आते हैं फैन आउट। सो व्हाट इज फैन आउट, नंबर ऑफ सेम सीरीज गेट्स दैट ए गेट कैन ड्राइव। फैन आउट फॉर TTL सर्किट इज फिक्स, और जो फैन आउट CMOS के लिए वो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी से रिलेट करता है। फैन आउट डिक्रीजेज विद इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो आपका फैन आउट हो जाएगा। सो ये TTL सर्किट के लिए हमने पहले भी बात की कि आपके पास क्या है, कि वो फैन आउट जो है वो आपके पास क्या है, फिक्स्ड। द फैन आउट ऑफ ए लॉजिक गेट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट ऑफ द सेम सीरीज इन ए IC फैमिली दैट कैन बी कनेक्टेड टू ए गेट्स आउटपुट एंड स्टिल मेंटेन द आउटपुट लेवल्स विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। तो इस केस के अंदर लेट से कि आपके पास द आउट जो ये आपके पास सर्किट नज़र आ रहा है, ड्राइवर सर्किट, जो आउटपुट करंट एट लॉजिक हाई इज IOH इज इक्वल टू 400 माइक्रो एम्पेयर,
और इनपुट पे जो है वो आपके पास क्या है, 40 माइक्रो एम्पेयर है, ठीक है। सो 10 आप क्या कर सकते हैं कि आपने फिर उसको एक अलग गेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब दूसरी तरफ आप लो पे आपके पास बात करते हैं, हाई पे हमने कहा जी कि एक हमारे पास 400 माइक्रोएम्पेयर है और दूसरा 40 माइक्रोएम्पेयर है। लो पे हम बात करते हैं जी 16 मिली एम्पेयर है और 1.6 मिली एम्पेयर है। सो आपने कंप्यूट किस तरह, यूनिट लोड किस तरह से कंप्यूट करना है कि आपने सिंपली जो है आउटपुट हाई और इनपुट हाई की रेशियो निकाल लेनी है, तो वो आपका बेसिकली फैन आउट निकल आएगा TTL लोड के लिए। इसी तरह आपने आउटपुट लो और इनपुट लो की फ्रैक्शन निकाल लेनी है, तो आपके पास TTL लोड के लिए फैन आउट आ जाएगा। ये बेसिकली यूनिट लोड इस तरह से निकलेंगे किसी भी सर्किट। हाई के लिए सर्किट है, के लिए सर्किट है, तो इसी तरह से CMOS पे आ जाते हैं। तो CMOS में हमारे पास, हमने बात की कि वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये कुछ आईसीज हैं उनके जो ये पैरामीटर्स हैं वो इस जो आपके पास टेबल नज़र आ रहा है, परफॉर्मेंस रेटिंग इसके अंदर दी हुई है। सो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वैल्यूज़ इनमें फ़र्क क्या क्या है, कितना फ़र्क आता है, क्यों हम डिफरेंट आईसीज को डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे डिसाइड हैं। अब ये TTL के अंदर डिफरेंट अब जो है वो टेक्नोलॉजीज से जो आईसीज बनी हुई हैं उसके अंदर वो उनकी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, तो इसकी बेस पे आप जो है वो अपने सर्किट को और बेहतर कर सकते हैं कि आपने कौन सी डिवाइस यूज़ करनी है या कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो अपने सर्किट के अंदर यूज़ करना है। सो ये CMOS के रिजल्ट्स हैं, डिफरेंट क्लॉक फ्रिक्वेंसीज पे उसकी आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आप इससे भी जज कर सकते हैं कि ये जो तीन तरह की आईसीज हैं इनमें क्या क्या फ़र्क है बेसिकली। ठीक है जी,